तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, अपने सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए बीजेपी के नायब सैनी की, जिनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी ने। हमारे साथ नायब सैनी जी हैं जो कुरुक्षेत्र हरियाणा से लोकसभा सांसद, आई उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके आगे का रोड मैप क्या है। सर स्वागत आपका जनता टीवी पे। जी जी सर, कल से लोकसभा सत्र शुरू हुआ है, आप स्टेट मिनिस्टर रहे कुरुक्षेत्र में, क्या है आपका आगे का प्लान, रोड मैप क्या है? नहीं देखिए, कुरुक्षेत्र की जो समस्याएं हैं, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक टूरिस्ट हब है, वहाँ पर देश विदेश से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर टूरिस्ट आता है। किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत न हो, समस्या न हो, उन सबको प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनका समाधान करना और कुरुक्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय मैप के ऊपर लेकर के आना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। नायब जी, असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, आने वाले असेंबली इलेक्शंस को लेकर क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे, कैसी तैयारियाँ रहेंगी ग्राउंड लेवल पर, ताकि जनता के बीच में आप और मजबूती से अपनी पार्टी को उभार सकें? देखिए, क्योंकि हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, हरियाणा की जनता जो पिछले कार्यकालों से प्रताड़ित थी क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर और लोगों का जो शोषण होता था हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोग ये बात बोलते थे कि सरकार चेहरे बदले हैं, सरकार की नीतियाँ नहीं बदली। ये पहली बार इस प्रकार की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनी है, जिसने राजनीति के मायनों को बदला है, लोगों ने उस बात को स्वीकार किया है। जो मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणी एक की बात कही है, वो खाली बात नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लोगों को लाभ उस बात का मिला है, जो उन्होंने शब्द कहे थे उसको लागू किया है। और आज मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी, एक गरीब माँ का बेटा भी आज सरकारी नौकरी पे लगा है। आज युवाओं के अंदर जो निराशा का शिकार हो चुके थे, जो गलत रास्तों के ऊपर भी चले गए थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो सिफारिश से मिलती है, उसके ऊपर विराम लगाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। आखिरी सवाल में पूछ रहा हूँ, कुरुक्षेत्र में इस बार जाट पॉलिटिक्स का असर देखने को मिला आपको, जाट जो वोट बैंक फैक्टर है वो देखने को मिला इस बार आपको? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है, वो जात पात के अंदर विश्वास नहीं करती। जो लोग जात पात में विश्वास करते हैं, उन लोगों को प्रदेश की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, जो विकास हरियाणा का बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया है उसको लोगों ने स्वीकार किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायब सिंह जी, जिनका पूरी तरह से कहना है कि इस बार हरियाणा ने विकास के तर्ज पर बीजेपी को बहुमत से जीत दिलाई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अंजलि पोखरिया, जनतंत्र टीवी।